talented guest author, Madam Geeta Shree. Madam Geeta Shree earned 10 writing editions of political, social, cinema, literature, art, culture, and the other feminine issues. Geeta Shree achieved Syrian fellowship from the National Foundation for India in 2008 for her studies over smuggling of Afghan women in the state like Jharkhand, Chhattisgarh. She was also honored by the Grassroots Best Teacher Award by the Press Institute of India for her teacher practicing of the Bonded Labor Society. She also received others awards from film writing. She nurtures the passion of writing film reviews of electronics media as well. To be in conversation with her, we have another talented personality, Nidhikar from Ehsaas Women. So I take this forward to welcome both of them to the dais, and you have a very good interaction with them, and enjoy and sit back and enjoy the dais. Thank you very much. अच्छा गीता श्री के नाम कई कहानियों की रचना की है इन्होंने. बेस्ट हिंदी जर्नलिस्ट 2008-09 रामनाथ गोयका के पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं. आज हम इनके उपन्यास हसीना बात के बारे में बातें करते करते उनकी जीवनी पर भी चर्चा करेंगे. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका लेखने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? शुक्रिया निधि. सबसे पहले फाउंडेशन का धन्यवाद. थैंक यू अनंता. पहले बात में इतना सब कुछ गड़बड़ होता है कि मैं एकदम बोल नहीं पाती, इसलिए पहले ही औपचारिकता आत्मीयता के साथ खड़े बढ़ गए. और आप सब जो आए हैं मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शायद सत्रह जिंदगी में मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं कि आप सब आज मेरे मुझे सुनने यहाँ आए हैं. तो मुझे इस गर्व से भर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पता नहीं था कि जब सफर शुरू होता है तो तना होते हैं. आप सब मेरे मंजिलों की तरह मेरे साथ हैं. आप सबका यहाँ होना मुझे आज मुझे लग रहा है किसी सर्टिफिकेट जैसा होना है. एक एक जो आप लोग मुझे सुनेंगे आप सबका साथ मेरे लिए मेरे होने को पुख्ता करता है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इमोशनल भी हूँ क्योंकि कनेक्ट भी है उड़ीसा के साथ. मैं जहाँ बिहार की तो बिहार और उड़ीसा का एक ऐतिहासिक रिश्ता है. तो उस रिश्ते के नाते भी उस पर हम बाद में आएंगे कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सब मैं इतिहास के गलियारे में जाके आपको बताऊंगी कि क्या रिश्ता है. थोड़ा इतिहास का वो रंगरंजित चैप्टर भी है लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है और इतिहास का बहुत सुंदर है. और उसका परिणाम है कि आज मैं इतिहास से इतिहास के उस पन्ने को याद कर रही हूँ. आपने मुझे पूछा कि लिखने का सफर कहाँ से कैसे शुरू किया. हम सबके दिल में एक छोटी सी बच्ची होती है. वो जब आती है दुनिया में तो चीज़ों को उस देखने का उसका नज़रिया एकदम अलग होता है. मैं ये नहीं मानती कि लेखक बनाए जा सकते हैं. ये जैसे स्त्री बनाई जाती है इस तरह से लेखक बनाए नहीं जाते. आप रेडीमेड उसको बन नहीं सकते. टेलर पे नहीं होते. जो मेरा अपना अनुभव है बात मैं लेखक जरूर बात हो गई. पहले मैं पत्रकार थी तब मैं सोचती नहीं थी कि मैं लेखक बन सकती हूँ क्योंकि मेरा डिफरेंट मूड मैं बिल्कुल अलग तरह की जिसको कहते तेज तर्रार और भागड़ और दूसरे तरह की पॉलिटिकल रिपोर्टर जिसका संवेदना से कोई लेना देना नहीं. ऑपरेशन हमारे लिए खबर वैसी थी जैसे डॉक्टर के लिए ऑपरेशन थिएटर में कोई दे. तो मेरा संवेदना से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक नहीं. मैं सोच भी नहीं सकती लेकिन मुझे मेरे भीतर शायद बचपन में छुपी हुई वो छोटी सी लड़की बच गई जिंदा. महानगर में नौकरी करते हुए तमाम दबावों को रोजी रोटी और अपनी अस्मिता की लड़ाई के बीच में अगर मेरे भीतर कोई लड़की बच गई थी उस लड़की ने मुझे फिर से जिंदा किया कि मेरे भीतर वो किस्सा को बचा हुआ है और इतनी चीज़ें हैं कहने को जिसे मुझे कहना चाहिए. जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन में कहानियाँ बहुत सुना करती थी. हमारे बचपन का दौर आज का दौर अलग अलग है. अब कहानीकार आगे जाके 20 साल बाद कोई कहानीकार कैसे बनेगा
उसका क्या मेकिंग होगा, मेकिंग ऑफ किसाको अलग होगा। हमारा था कि दादी नानी चाची या आसपास के इससे कहानियां सुनती, तो एक लिखने का था कि शुरू से जो सुनती थी उसको दर्ज कर देती थी, फिर डायरी लिखना शुरू किया, फिर कविताएं लिखनी शुरू की स्कूल कॉलेज में। उसके बाद जब हायर स्टडी के लिए दिल्ली आई तब हमेशा के लिए लेखन छूट गया और मैं जर्नलिज्म में पूरी तरह से डूब गई, भूल गई कि लिटरेचर भी है कुछ, कुछ पता नहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री और नेताओं के बीच में और संसद और दफ्तर अखबार की खबरें और वो कॉलम और 24 घंटे की ड्यूटी, मुझे कुछ याद नहीं कि पढ़ा बीच बीच में कभी कभी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में मेरी वापसी हुई है, जैसे अपने आप को ढूंढते हैं ना, जैसे स्त्री अपना पता ढूंढती है, अपना घर अपने हाथ में लेके देवताली जी की कविता में है, तो मैंने अपने को एक्सप्लोर किया, अपने को ढूंढा, और शायद वो बेचैनी थी जो मैं पत्रकारिता में नहीं कर पाई, तो मैंने 2009 में पहली कहानी लिखी और अपने उस बचपन की उस लड़की को जिंदा किया जिसकी स्मृति बहुत साफ है। मेरी 3 साल की उम्र में भी मेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझे सब कुछ याद है। लोग कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्मृतियाँ साफ होती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, उम्र बढ़ रही अलग बात है, लेकिन मेरी स्मृतियाँ इतनी साफ है कि जो बचपन की जो कहानियाँ जो किस्से मैंने सुने सब कुछ याद है। वो स्मृति एक बहुत बड़ा खजाना होती है आपके लिए, अगर आप रचनाकार हो तो उसके सहारे आप बहुत बड़ा मीनारे खड़ी कर सकते हैं। वो स्मृतियों में मैं बार बार लौट कर जाती हूँ, वो जो मेरा लोक छूट गया, वो जो मैं विस्थापित नागरिक हूँ, जो मेरा लोक छूटा, गांव छूटे, लोग छूटे, मैं छूटी, मैं तो खुद को छोड़कर ही आई थी, तो मैंने अपने को ढूंढा, एक्सप्लोर किया और अपने को उस लोक से जाके ढूंढ के निकाला और अपने से मैं जुड़ गई। मेरे लिए लिखने का सफर अपनी खोज, अपने को खोजना, अपने को फिर से ढूंढने जैसा एक जैसी कोशिश। और मैं आपकी कहानियाँ देख रही थी तो आपकी कहानियाँ ज़्यादातर स्त्री, उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी तस्करी पर निर्धारित हैं। ये चुनने का कोई खास वजह? देखिए इसका तो सीधा सवाल एक लाइन में ये हो सकता है, लेकिन वो आसान सवाल नहीं है। आपने बहुत अच्छा नोटिस किया, अच्छा सवाल पूछा कि हर मैं स्त्री हूँ, ये आसान सवाल है, आसान जवाब है कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री होने के नाते मेरी पात्र स्त्रियाँ होती हैं, मैं स्त्रियों पर कहानी लिखती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक सजग पत्रकार थी और मेरे भीतर एक संवेदनशील कथाकार छुपा हुआ था जो अपने बीच और अपने बचपन में और अपने परिवेश में जो स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार देखा, हाशिए पे छटपटाती हुई कलपती हुई स्त्रियों को देखा, उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस किया और जो सामंती परिवेश का शिकंजा हमने झेला, उन सब के विरुद्ध मेरे दिमाग में मेरे दिल में प्रतिरोध एक आग की ताप से मैं खुद ही, मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों तपती हूँ इतना, लेकिन वो सब प्रतिरोध था, प्रतिरोध को जताने का और अपना गुस्सा अपना आक्रोश निकालने का मेरे पास जरिया था। पत्रकारिता में नहीं था, मेरे पास साहित्य है और साहित्य वो है कि जो वानगो कहते थे कि मैं पहले सपने देखता हूँ फिर अगले दिन उसको पेंट करता हूँ, मैंने बराबरी का सपना देखा है, स्त्री पुरुष के बीच बराबरी का, तो मैंने सपना देखती हूँ, उस सपने मुझे जीने नहीं देते। मैं समाज में जब स्त्रियों को देखती हूँ गैर बराबरी का शिकार, और चूंकि मैं फिल्म से जुड़ी रही हूँ, मैंने फिल्म में बहुत काम किया है, लगभग 6-7 फेलोशिप किए मैंने जो स्त्रियों से संबंधित है। जिस तस्करी की बात आप कर रही, इस पर मेरी किताब है और वो 2008 में प्रेसिडेंट अवार्ड से वो किताब नवाजी गई, उस किताब को बहुत इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी, इसलिए कि जो ट्राइबल लड़कियाँ होती हैं उनकी तस्करी होती है वो झारखंड वाले इलाके, मैं वहाँ जाके उनके बीच रह के मैंने रिसर्च किया। मेरी कहानियों में रिसर्च आपको पूरा मिलेगा क्योंकि मैं फिर विजिट करती हूँ, मैं टेलर राइटिंग नहीं कर सकती, मेरे लिए यथार्थ उतना ही जरूरी है जितना जितनी कल्पना, मेरा यथार्थ मुझे कल्पना की गुंजाइश देता है। मैं इसीलिए यथार्थ के करीब बार बार जाती हूँ
उसको डिकोड करती हूँ, उसको उसकी परतें छीलती हूँ और उसके भीतर से कथा को बाहर निकालती हूँ। ये मेरा था कि मैं इस तरह से, तो पात्र कहाँ से लाऊं? मेरे लिए सबसे विश्वसनीय जो है वो स्त्री है, इसलिए नहीं कि बहुत भरोसेमंद है। सिमोन ने कहा है, जो हमारी देवी है, कि पुरुषों ने अब तक जितना लिखा उसको संदिग्ध मानना चाहिए, और मैं सिमोन को पढ़ने से पहले से संदिग्ध मानती हूँ, इसलिए वही जज, वही वकील, वही अपराधी, भुक्तभोगी हम, तो मेरा भरोसा नहीं था। और रीति कालीन साहित्य पढ़ने के बाद और मेरा भरोसा उठ गया उनसे, कि उनके पास नक्श वर्णन करने के अलावा कुछ भी नहीं, वो स्त्रियों को सिर्फ पदार्थ, अरस्तु ने कहा स्त्री एक पदार्थ, पदार्थ से आगे स्त्री को देखा ही नहीं। आप पूरा उठा के देख लीजिए, बाजार देख लीजिए, प्लूटो देख लीजिए, सबका उठाकर आप देख लीजिए, स्त्री पदार्थ है, आधी पसली से पैदा हुई है, बहुत बहुत सारे फिलोसफी उनकी है। मेरे भीतर बोलती थी ये चीजें, वो स्त्रियों को मैंने इसलिए चुना कि मैं भोगी हूँ, मेरे दर्द को और मेरे दर्द को मुझे मेरे लिखे को, अपने दर्द को जो मैं लिख रही हूँ, अपने दर्द से मेरा मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मैं समूची स्त्री समुदाय का प्रतिनिधि मानती हूँ अपने को। स्त्रियाँ मुझे माने चाहे नहीं माने, क्योंकि हर एक स्त्री के छाती में मैं कलपती हूँ, या उनकी तकलीफ मेरी छाती में कलपता है, तो इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं उनके दर्द का की प्रवक्ता हूँ। इसलिए मैंने स्त्रियों को चुना क्योंकि वो भोगी हैं, हाशिए पे छोड़ दी गई हैं, मुझे उनको उनके दर्द को आवाज़ देना है, उनको उनकी अस्मिता का एहसास कराना है, उनके भीतर वो छटपटाहट पैदा करनी है और उनको ये बताना है, सचेत करना है कि आप अब तक उपनिवेश थे, अब आपको इस उपनिवेश से आज़ादी लेनी चाहिए। इसलिए स्त्रियाँ, और चूंकि मैं स्त्री हूँ तो स्त्रियों के साथ ज़्यादा स्वाभाविक हूँ, ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से उनकी कथा कह सकती हूँ। हालांकि मैंने इधर कोशिश की है कि अच्छे अच्छे ज़िंदगी में मेरे अनुभव अच्छे पुरुषों को लेके, तो मैंने पुरुषों को भी पात्र बना के लिखा है और मेरी कहानियों में ज़्यादा सहयोगी के रूप में आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब तक स्त्रियों का मामला सेटल नहीं होता सोसाइटी में, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता, जब तक उनके ऊपर से शिकंजा नहीं हटता और उपनिवेश मानने की टेंडेंसी नहीं खत्म होती है, तब तक स्त्रियाँ मेरे कहानियों में आके रोती, कलपती, हंसती, चिठोली करती रहती। इस उपन्यास में आपने आम्रपाली का वर्णन किया है और अपनी नायिका गोंडी को उससे तुलना की है, आखिर क्यों? देखिए, बताने का समय आ गया। मैं वैशाली जिले से हूँ और सामंती परिवेश की भोगी तो हूँ ही, लेकिन इतिहास के बहुत बड़े अन्याय की भी साक्षी हूँ। मैं वैशाली, मेरा घर है और वैशाली में गढ़ है जहाँ पे बुद्ध ने 6 वर्षा ऋतु बिताए और जहाँ आम्रपाली उनसे मिलने गई और जहाँ आम्रपाली को संघ में आने की अनुमति मिली है। सबके निशान है वहाँ पे इतिहास में, आम्रपाली का कहीं नहीं है। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा घेर दिया आम्रपाली का घर, कुछ भी बचा नहीं है। एक मिट्टी की टूटी हुई खंडित मूर्ति मिली मुझे, मैं आम्रपाली को ढूंढ रही थी। लेकिन मैं तो स्त्री हूँ, स्त्रियों के खिलाफ इतिहास में जितना अन्याय हुआ है मैं सबको उजागर करूँगी। स्त्रियों को चूंकि मोहरा बनाकर रखा गया और मोहरों का कोई इतिहास नहीं है, तो मैं उस मोहरे को लेकर आना चाहती हूँ मुख्य केंद्र में। इसीलिए मैं आम्रपाली को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि कुछ इतिहासज्ञों ने, इतिहासकारों ने ये कहने की कोशिश की है कि जब कोई सम्राट बहुत चक्रवर्ती होता है तो मिथक ये नारियाँ गढ़ ली जाती हैं। आम्रपाली मिथक नहीं थी, ये ठीक है कि साहित्य ने उसको फिर से जिंदा किया। इसीलिए इतिहास से बड़ा साहित्य है और इतिहास दस्तावेज बनकर रहेगा, साहित्य दिलों में जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने ढूंढा आम्रपाली को। और आम्रपाली को ढूंढ कर पहले आचार्य चतुर्भुज शास्त्री ने लिखा, फिर रामकृष्ण बेनीपुरी ने आम्रपाली नाटक लिखा, इसके बाद फिल्म बनी। फिल्म आपने आम्रपाली फिल्म अगर उसमें देख लीजिएगा यूट्यूब में, एक स्त्री के साथ इतिहास इतना अन्याय करता है। आप आम्रपाली को कैसे झुठला सकते हैं जब थेड़ी गाथा मौजूद है आपके पास, उसमें आप देखिए आम्रपाली समेत
जितनी बहुत पिछुनिया है सबकी कविताएं हैं, क्या वो झूठ है? तेरी गाथा को कैसे झूठा, बहुत साहित्यकार झूठा कैसे साबित करेंगे? और बुद्ध और आम्रपाली के बीच जो बहस हुई थी उसको कैसे आप खारिज करेंगे? और आनंद ने कहा था आम्रपाली को लेकर कि आप इनको प्रवेश मत दीजिए, हमारे संघ का पतन शुरू हो जाएगा। और ये जानते हुए बुद्ध कि स्त्रियों के प्रवेश से संघ में पुरुषों का चित्त गड़बड़ाएगा, वो स्त्रियों को दोषी नहीं मानते हैं कि स्त्रियां आपके ध्यान भंग कर देंगी। आप रंभाओं और मेनकाओं को गलत मत मानिए, गलत वो ऋषि है विश्वामित्र जिसका ध्यान में दम नहीं है, जिसका ध्यान टूटता है। ये वो इतना दम नहीं था तो तपस्या करने क्यों गए, वो नहीं जाना था। तो कामदेव आप देख लीजिए, जिनका भी ध्यान भंग होता है ध्यान में कमी थी, ध्यान तोड़ने वाले में कमी नहीं थी। तो वो जब आम्रपाली जब आ रही थी तो आनंद चेताया था उनको, और उसके बाद शुरू होता है। उस पर एक से एक वर्ष बुद्ध ने ये जवाब दिया था कि मैं आम्रपाली से शास्त्रार्थ करूँगा तब, और वो मुझे कन्विंस जिसको कहते हैं अगर परास्त कर देगी तब मैं सोचूंगा। और डिबेट होता है जिसमें आम्रपाली उनको तर्क से लाजवाब करती है, वो बहुत शानदार डिबेट है वो, और उसमें लाजवाब करती है, उसके बाद उसकी एंट्री होती है। बुद्ध के पास आम्रपाली नर्तकी बनकर नहीं गई थी, उसने एक एक करके अपने सारे चोले और सब कुछ उतार के साधारण भिक्षुणी बन कर गई थी। तो बुद्ध ने उसके समर्पण को देखा। वैसे स्त्री को इतिहास न काट देता, उसमें कोई किताब नहीं, उसमें कोई बात नहीं करता, इतिहास उसको बात ही नहीं करना चाहता है। स्त्रियों का इतना योगदान है इतिहास में, पुराणों में, मिथक में, इतिहास बात ही नहीं करना चाहता, उसमें पुराण बात ही नहीं करना चाहते। गार्गी और याज्ञवल्क्य की इतनी बड़ी बहस हुई थी, याज्ञवल्क्य की जीत दिखा के गार्गी को दबा देते हैं, गार्गी की बात ही नहीं करते हैं। कितनी हिम्मती स्त्री थी, भरे भवन में बादशाह के सामने राजा के सामने एक ब्रह्मर्षि को परास्त करती है, और अंत में जवाब इसलिए नहीं देती जिसको जीत कहते हैं, वो जीत नहीं थी, ये विड्रॉ करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी को कुपित हो और 100 गाय ले जाना है तो आप ले जाइएगा, आप गाय ले जाइए लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, और वो अपने को और अपनी मर्यादा को बचा लेती है। हालांकि बाद में वो दोनों साथ रहने लगते हैं, वो लिविंग की जो शुरुआत हमारे यहाँ मैं मानती हूँ वहीं से होती है। आप सिमोन साहब को कहते हैं मैं तो वहाँ से मानती हूँ, तो मुझसे संस्कृत का विद्वान लोग लड़ने आते हैं, तो मैं अभी गार्गी की रिसर्च कर रही हूँ, मैं उसी इलाके से हूँ जहाँ की गार्गी, जहाँ की सीता, जहाँ की अम्रपाली, मैं उसी इलाके से हूँ, और मैं अभी रिसर्च भी कर रही हूँ सीता पे। मुझे अभी फेलोशिप मिली है भारत सरकार से सीता पे, लोक में सीता, तो किताबों में सीता आप लोगों ने बहुत पढ़ी, लेकिन अभी भी वो पीढ़ी जिंदा है जो सीता की कहानियाँ आपको सुनाई जो किसी किताब में, सीता की इतनी कहानियाँ हैं जुबान पर, और वो वोटों से वोटों तक सदियों से चल रही है। और इससे पहले कि मेरे पहले वाली पीढ़ी खत्म हो जाए, मुझे याद नहीं रहे खत्म हो जाए, मैं उसको जुटा लेना चाहती हूँ, तो मैंने ये भरा था और मुझे मिल गया तो मैं वो जुटा रही हूँ। अब मैं गार्गी पे भी काम कर रही हूँ, गार्गी पे बहुत सारे मटेरियल मुझे मिल रहे हैं, तो उसमें मैं इसीलिए मैं इतनी बात जान पाई कि कहाँ कहाँ स्त्रियों को दबाने के छल हुए पुराणों में इतिहास में, इसलिए कि वो उपनिवेश थी, कॉलोनी थी, उससे शासन किया जा सके, तो इसलिए स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई उद्धार का ठेका लिया है, लेकिन मैं ऐसी स्त्री पात्रों को जो इतिहास में दबा दी गई हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालूंगी, उन पर बात करूंगी और मैं साबित करूंगी कि वो कैसे श्रेष्ठ थी और कैसे उनके साथ अन्याय किया। और जैसे आप पत्रकार से लेखिका बनी और आप स्त्री हैं, तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए मैं स्त्री होने का बोध मुझे तो बहुत जब पत्रकारिता में थी तो बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई स्त्री हूँ। मुझे बहुत सीनियर राइटर तो राजेंद्र यादव अक्सर कहते थे कि तू स्त्री है, वो सबको ऐसी बात करते बहुत आत्मीयता से, तू स्त्री है कहाँ से, तू तो स्त्री के देह में मर्द की आत्मा है। तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं जब जर्नलिज्म में आई 91 में स्त्रियाँ थी ही नहीं फिल्म में, और पूरे ब्यूरो में अगर 20 लड़के हैं तो अकेली एक स्त्री, तो मुझे मर्दों के साथ काम करना पड़ता था और उनके साथ ट्रैवलिंग होती थी और रिपोर्टिंग में देर देर रात तक पार्लियामेंट में कवर करना, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मैं भूल गई थी अपना स्त्री होना, स्त्री होने का बोध। वो एहसास
तब हुआ जब मैं लिटरेचर में आया साहित्य में और मुझे वो सारी भूली हुई दास्तां सब याद आ गई और फिर मैं सोशल इशूज़ की तरफ चली गई। मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग छोड़ दी, मैंने सोशल इशूज़ पे काम करना शुरू किया और मैंने बहुत काम किया सोशल इशूज़ पे, बीड़ी मजदूरों पे, सुंदरबन में जो मीठे पानी की कमी है, आइलैंड डूब रहे हैं, सलवा जो रूम पे, नक्सली मूवमेंट पे, मैंने 6-7 किस्म के पिक्टोरियल वार्निंग पे जो सिगरेट के डब्बे पे आता है वो हमारी टाइम में हम लोगों ने रिसर्च करके दिया था कि इस तरह के चित्र हों जिससे लोग डरे, तो वो हम लोग का मेरा दौर था जब मैं रिसर्च कर रही थी। तो इस तरह के सोशल इशू से जुड़ना शुरू किया, तब धीरे धीरे मेरी स्मृति वापस आई कि मैं किस माहौल से आई हूँ और मैंने क्या झेला है और जिन्हें मैं छोड़ आई हूँ वो अभी भी उसी माहौल में है, तो फिर उन्हीं की तकलीफें, फिर उन्हीं का दर्द, फिर मेरी स्मृतियाँ, वो मेरा दायित्व बोध एक स्त्री होने के नाते और कुछ ये तो है कि ज़्यादा संवेदनशील होती हैं स्त्रियाँ, ये मानना पड़ेगा आपको। कल एक हम लोग फिल्म देख रहे थे पीहू और वहाँ पे एक सीन है कि लड़की रेलिंग पे लटकती है 2 साल की बच्ची, तो फर्क वहाँ दिखा और ये मैं नहीं एक पुरुष ने भी कहा कि सारी लड़कियों तो मुझसे निकला हो ऐसे जोर से ऐसे सिस्कारियाँ गुजी सिर्फ औरतों की और पुरुष बड़े आराम से देखते हैं जैसे मान के चलते जो रेलिंग से गिरेगी नहीं और हॉल में सब हंसे जोर से, देखो किसी मेल के मुँह से एक सिस्कारी नहीं निकली ये क्या हो रहा है या है या कुछ कुछ भी नहीं, लेकिन स्त्रियाँ एक साथ चीख पड़ी हॉल में नहीं वो कोई रो रहा है कोई सिसक रहा है, लेकिन ये जो ठंडापन है ना संवेदनात्मक ठंडापन उस स्त्रियों में नहीं है, वो एक संवेदनात्मक ताकती भाप निकलता रहता है उनके भाप स्त्रियों के भीतर उनकी आत्मा में संवेदना का भाप है उसी से तपती रहती है, वो मेरे भीतर बहुत ज़्यादा था इसीलिए स्त्री हूँ और मैं अपनी बहुत चलती हूँ अपने बहुत प्रतिरोध है मेरे ऊपर बहुत विद्रोह है बागी तबीयत की स्त्री और मैं बाकी स्त्रियों को भी बागी बनाना चाहती हूँ, ये नहीं कि समाज को नष्ट कर दो ढांचे को तोड़ दो परिवार तोड़ दो, मैं जानती हूँ कि इस तरह के सवाल लोगों के मन में आए हैं पहले ही बता देती हूँ ऐसा नहीं है, ये बागी होना पारिवारिक ढांचे से अलग होना नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री माँ बनने के और प्रेमिका बनने के नैसर्गिक रूप से अलग कभी नहीं जाना चाहती। नमस्कार गीता श्री जी, आपने कहा कि मैं की पहचान और उसका विद्रोह अस्तित्व के पहचान का विद्रोह आज की नारी में है और फिर वही आप कहती हैं कि माँ के सुख और प्रेमिका के सुख से वंचित नहीं है, ये दो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी विपरीत लगती हैं, दोनों का साथ में होना थोड़ा सा असंभव लगता है, तो कैसे हम इनको साथ में लेकर चलेंगे? देखिए स्त्रियों को बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे साधना है संतुलन, स्त्रियों की जिंदगी रस्सी पर चलने वाली उस लड़की की तरह है जो एक पैर से चलती है, पूरी स्त्री की जिंदगी उस रस्सी पे चलती है संतुलन साधते हुए, इसलिए किसी स्त्री को बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे साधना है, ये दो चीज़ें हैं और इस समय स्त्रियाँ बहुत कठिन दौर से गुजर रही हैं जब उनको परिवार भी चाहिए करियर भी चाहिए कमाना भी है और सुपर वीमेन में बदल दी गई हैं तो उनका डबल डबल दोहरा शोषण हो रहा है उनका, ये सब है, इसीलिए मैंने प्रेमिका बोला पत्नी ने अच्छा आप मेरी बातों पे गौर करिएगा, मैंने पत्नी नहीं बोला मैंने प्रेमिका बोला और मैं प्रेम के पक्ष में हूँ, प्रेम को करना ही चाहिए, अब प्रेम आपको गुलाम बनाता है तो प्रेम को साधिए संतुलन बनाइए और कोई उपाय नहीं आपके पास, मैंने प्रेम की बात की और विवाह में अगर प्रेम बचा रह जाए तो बड़ा खूबसूरत होता है वो और बहुत सक्सेसफुल स्त्रियाँ निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि सफल स्त्री के पीछे किसी पुरुष का हाथ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अगर सपोर्ट परिवार में मिलता है तो बोलने की ताकत आती है जैसे मुझमें आई या बाकी स्त्रियों में आती है, सब परिवार के सपोर्ट से, तो इसलिए मैं कभी प्रेम के विरुद्ध नहीं जा सकती और जहाँ तक माँ बनने का, तो देखिए मैं स्त्री हूँ ना मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और आजकल बहुत सारी लड़कियाँ माँ नहीं बनना चाहती है, तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि एक स्त्री को उसकी कोख पे उसका अधिकार होना चाहिए, वो बच्चा पैदा करे ना करे समाज और परिवार उसको थोपे नहीं, वो तय करे कि वो उसको बच्चा करना है कि नहीं करना है,
तो ये अलग मुद्दा है, ये स्त्री को खुद ही तय करना पड़ेगा कि उसको माँ बनना है कि नहीं बनना है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि माँ बनना, प्रेमिका बनना, और मैं अपनी दोनों जिंदगी में ये दोनों अपनी जिंदगी में दोनों का सुख ले रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि संतुलन साधने की कला स्त्रियों को जन्मजात होती है, और अब पहचानना, अपने को पहचानना जरूरी है। नमस्ते गीता श्री जी, कि आपने जो मैंने समझा आपकी स्टोरी के बारे में, आपने कहा था कि जो आप एक ट्राइबल गांव विलेज है जहाँ से लड़कियों को तस्करी होती है, आपको क्या लगता है शहरों में वो नहीं होता है? शहरों में भी तो लड़कियाँ उतनी ही वल्नरेबल है तस्करी के लिए, या जैसे गांव से शहरों में लड़कियों को लाते हैं पढ़ाने के बहाने, उसके बाद वो घर में काम करवाते हैं, धीरे धीरे उनके साथ अत्याचार होता है, उसके बाद उनको बेच भी देते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ गाँव में ही, अनपढ़ आजकल शहरों में ही वो बातें नहीं होती हैं? शहरी लड़कियों की तस्करी नहीं होती है, तस्करी होती है ट्राइबल्स लड़कियों की, जो जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ जहाँ है, वहाँ से तस्कर लड़कियों को लेकर आते हैं दिल्ली और मुंबई महानगर में कलकत्ता, और वो प्लेसमेंट एजेंसी उनका एक्सप्लॉयट करती हैं उनको। तो शहरों में शहर वाले करते हैं उनका, चूंकि बाजार है, महानगर एक बाजार है तस्करी का, वहाँ से आती है, यहाँ खपत होती है, महानगर में डिमांड है। देखिए इस डिमांड के पीछे की आप समझिए सामाजिकता कि क्यों पड़ रही है डिमांड, इसके पीछे स्त्रियाँ जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी उनकी गुलामी पर निर्भर होती है। हाँ जी, और हर सफल महिला के पीछे ट्रेंड मेड का हाथ है, देखो आपका बच्चा वो पाल रही है, आपका घर वो संभाल रही है, रसोई देख रही, आपके बदले की गुलामी वो कर रही है, और आप बाहर घूम रहे हो। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो कोई ना कोई लड़की मेरा घर देख रही होगी, तभी बैठूंगी, तो मैं नहीं आ सकती थी। अगर एक ही छुट्टी में चली जाए तो गीता श्री गई, किसी काम की नहीं थी, रात घर में। तो इस मैक्सिमम स्त्रियाँ शहर में नौकरी कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगी हुई है, तो उनके घर को देखने के लिए डिमांड ज़्यादा है, वो सप्लाई उधर से आ रही है, इसलिए इसमें अब क्या करें, वहाँ गरीबी है, आर्थिक पिछड़ापन है, उनको रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, शहरों में लड़कियाँ चाहिए जो उनके घर को देखें। तो ये बाजार और डिमांड और आपूर्ति का संबंध है। आप हर घर के बाहर एक मारुति लगा हुआ, गाड़ी लगी हुई, मकान पक्के हो गए। ट्राइबल अपनी संस्कृति खो गए जब पैसा आने लगा, चापा कल की जगह नल लग गया, क्या क्या वो उन्होंने पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, लड़कियाँ कमाती हैं सारा पैसा, गांव भेजती हैं, और वो लोग संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दया की तरह नहीं, अगर लड़कियों का एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं आप, अगर सम्मान के साथ उनको मेड नहीं वर्कर बोलिए, डोमेस्टिक वर्कर बोलिए, हेल्पर बोलिए, और उसको जैसे एक वर्कर को दिया जाता है भत्ता और दीजिए, तो ये बुरा नहीं है। मैं भी नौकरी करने के लिए कहीं से आई थी, तो ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉयट, तो वो भी नौकरी होती है। समाज को बदलने की जरूरत है, सोच को, वो मेड नहीं है, वो हेल्पर है, आपकी हेल्पर की तरह रखते हैं जी, और उनकी वजह से है तो हेल्पर रखिए। मेरे रिश्तेदार का भी उनको धन्यवाद है, और वो मेरी सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है, और मैं हेल्पर ही बोलती हूँ, मेरे नंबर भी सेम हेल्पर के नाम से ही है, और हम लोग जो फॉर्म भर के लाते हैं प्लेसमेंट एजेंसी से डोमेस्टिक वर्कर भरते हैं, और वो पूरा भत्ता मिलता है जो सरकार ने तय किया है। तो इसलिए अगर लड़कियां कमा रही हैं आ रही अपनी मर्जी से, तो बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कब है, जब तस्कर 8 साल की लड़की को स्कूल से उठा लेते हैं, जीपों में भर के लाते हैं, ट्रेनों में ठूस के लाते हैं, जो लड़कियों जिन लड़कियों को पता नहीं कहाँ जा रही है, एक लड़की मेरे पास आई, मैं मेड जब उसे मैं वर्क ढूंढ रही थी हेल्पर, एक लड़की नहीं जानती थी हिंदी, थोड़ा बहुत पता था, मैंने कहा कहाँ आई हो, बोले दिल्ली गाँव आई हूँ, दिल्ली क्या है, तो गाँव है, तो बोले मुझे नहीं रहना गाँव जाना है, कैसे जाओगी, तो पास में ही गाँव है, उसको हम लोगों ने कहा तुम जाओ, तो निकल के चार तरफ अपना गाँव खोज रही हूँ। अब देखिए क्या इतनी दया आई उस पर, तो दिल्ली गाँव है और अपने गाँव से गाँव आई है और गाँव घूम रही है, इतना इतना दारुण दृश्य था, उसको पुलिस के हवाले कर उसके गाँव भिजवाया। थैंक यू सर।
जब हमने शुरू की अपनी वार्तालाप कि हम सबके अंदर एक बच्चा है, और आखिर अंत में उन्होंने कहा कि अपने आप से जुड़े, उस बच्चे से जुड़े, उसको पहचानिए, उससे दोस्ती कीजिए, आपको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपने साथ की ज़रूरत होगी, और उसी से हम हर मंजिल को पा सकते हैं, हर हुकूमत, हर चीज़ पर हुकूमत कर सकते हैं। तो आज से प्रण कीजिए कि हम सब अपने आप से दोस्ती सबसे पहले करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much for a lovely interaction with our guests. I hope all our guests enjoyed this evening. Now may I request Mr. Karan Patnaik to felicitate Madam with her token of memento from Kalam. Request Madam Aditi Panda to felicitate Madam Nidhi Gar with a small moment.